अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? खान और आप देख रहे हैं प्राटन। आपको बता दें कि मुंब्रा कौसा इलाके में करीब 3 से 4 दिन गुजर गया है। बताया जा रहा है कि कचरा नहीं उठाया जा रहा है। आखिर कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लोग काफी परेशान है। तनवर नगर पे भी कचरों का अंबार लगा हुआ है। मित्तल के पास भी कचरों का अंबार है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास भी रोड पर ही कचरा पड़ा हुआ है। इसी तरह के और भी गलियों में कचरों का अंबार लगा हुआ है। आखिर कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, लोग काफी परेशान है। ये जो आइडियल मार्केट है, यहाँ पर भी देखेंगे 4 दिन से ये मेन रोड पर यहीं से लोगों का आना जाना हो रहा है। 4 दिन से जो है यहाँ पर इसी तरह से कचरा पड़ा हुआ है और काफी बदबू यहाँ पर आ रही है। इब्राहिम भाई, आप भी यहाँ पर खड़े हैं, बदबू आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तकलीफ हो रही है खड़े रहने में। 10 मिनट से खड़ा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। हथगाड़ी वाले अगर उनका क्या हाल होता है अल्लाह जाने। कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, 4 दिन से बता रहे लोग कि 3 से 4 दिन हो गया है कचरा ऐसे पड़ा हुआ है, उठाया नहीं जा रहा है। ना छोटी गाड़ी आ रही है, ना बड़ी गाड़ी आ रही है। एक्चुअली कैसा है भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, 2 दिन पहले से कौसा मजार में भी कचरा नहीं उठाया जा रहा है। तो हमारे जो यहाँ के सुपरवाइजर है महेश भागेराव करके, उनसे मैंने रब्ता कल भी किया था, परसों भी किया था, और आते आते भी मैंने जस्ट उनसे डिस्कशन करते हैं क्या कारण है कचरा नहीं उठा रहे। तो बोल रहे हमारा कोई एक अब्दुल करके, अभिषेक कंस्ट्रक्शन का प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर अब्दुल करके थे, वो छोटी गाड़ी प्रोवाइड करता है किसको, अभिषेक कंस्ट्रक्शन को कचरा उठाने के लिए। उसका शायद उसने पेमेंट किया नहीं, इसलिए उसने गाड़ियां प्रोवाइड करना बंद किया, इसकी वजह से आज ये तकलीफ हो रही है। कौसा बाजार में भी यही हाल था, तो आज सुबह बड़ी गाड़ियों से वो कचरा उठाया है। टेंडर को लेकर भी सवाल उठे हैं कि अभिषेक कंस्ट्रक्शन का शायद टेंडर जो है वो खत्म हो गया है। टेंडर तो आज नहीं खत्म हुआ है, टेंडर कई दिन हुआ खत्म हो गया, उसको जबानी बोल के ओरल ये काम कर रहा है। और अभिषेक कंस्ट्रक्शन को मेरे ख्याल से बहुत बड़ी पेनल्टी भी, शायद 7-8 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है काम में देरी करने की वजह से। तो आखिर अभी तक जो है कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा, आखिर किसकी जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो प्रशासन मुंब्रा शहर से कचरा क्यों नहीं उठवा रहा है आखिर? बिल्कुल सही बात है, देखो आफ्टर ऑल ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ही होता है, उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा सुस्ती तो करेगा, क्योंकि उसके पास भी कई वर्कर रहते हैं जिनकी पेमेंट नहीं मिलने की वजह से आदमी भी आगे पीछे करता है। प्रशासन को चाहिए, प्रशासन का जो इससे पहले जो प्राइवेट ये कचरा हुआ उसके पहले जो स्टाफ था उसको कोई महापालिका ने निकाला नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि अभी हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है प्रशासन को, तो जो पुराना स्टाफ था उसके जरिए से इमीडिएटली कचरा उठाए। पूरे मुंब्रा कौसा भारत गेट रशीद कंपाउंड एमएम वैली तनवर नगर जैसा आपने सब जगह सर्वे करके आया क्या हालत है, तो प्रशासन को चाहिए कि जनता को तकलीफ ना दे। तुम्हारा जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन से मामला है तुम उसको देखो, लेकिन पब्लिक को आप सफर क्यों कर रहे? पब्लिक भुगत रही है, 100% पब्लिक भुगत रही है ना। अभी आप 5-10 मिनट और खड़े हो आपको चक्कर आ जाएंगे। अभी आप यहाँ तनवर नगर पे जो हजारों पब्लिक आती है, गाड़ियां चलती है, बदबू तो जाती है ना, ये इधर की बदबू कैसे, हम खाली दिखती नहीं लेकिन आती है, वैसे इसकी भी बदबू है, आदमी तो फील करता है इसको, कितना परेशानी होती है। तो कब तक उठेगा कचरा शहर का, ये कुछ बता सकते हैं? जब इनका टेंडर भी खत्म हो गया है, दूसरा किसी को टेंडर मिला नहीं है, किसी को जो है उनका पेमेंट नहीं मिला, गाड़ी बंद कर दिए हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर शहर के लोग तो खामियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये अभी कितना दिन भुगतना पड़ेगा ऐसे ही रहेगा? या मुंब्रा के जनप्रतिनिधि है जो थे, अभी तो है नहीं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है हम करवा के लेना कचरों का। देखो जनप्रतिनिधि भी ऐसा नहीं है बेचारे सोए, वो भी अपने अपने लेवल पे हर कोई काम करता है, मैं किसी के बारे में ये सब नहीं बोल सकता, क्योंकि अपने अपने लेवल पे जनप्रतिनिधि जो है, अभी तो देखो कोई कॉर्पोरेटर नहीं है ना, मेरी मिसेज है वो भी अभी माजी हो गए सब लोग, लेकिन फिर भी जितने भी यहाँ पे नगर सेवक है अपने अपने लेवल पे जैसा होता है वो वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई एक दिन अगर नहीं उठा कचरा तो दूसरे दिन उठ जाना चाहिए, बिल्कुल उठना। लेकिन आज बता रहे लोग जैसा कि 4 दिन हो गया है, 4 दिन तक जो है रहे थे, बहुत हालत हम लोग की खराब हो गई थी, ये आज का तीसरा दिन नहीं लगता है, बहुत हालत, खिड़की खोल नहीं सकते हम लोग, रात में सो नहीं सके, इतनी बदबू आ जाती है।
अभी इन लोग को भी बोल देते हैं, यहाँ के जो ये अपना यहाँ का इंचार्ज है उनको भी हम लोग ने बोले, एक तो पुलिस वाले की गाड़ी है रात में, उनको भी बता दिए कि ये धंधे वाले का है, कचरा म्युनिसिपैलिटी का काम है निकालना, तो उन लोगों ने भी ऐसा ही करके निकल जाते हैं, वो लोग करते हैं थोड़ा निकालेंगे बाकी का उधर ही छोड़ देंगे। अभी हम लोग सामने की बिल्डिंग वाले हम लोग का हालत खराब है, बच्चे लोग हर दिन बीमार, हफ्ते में दो दो तीन तीन बीमार ही बीमार बच्चे को। चार दिन हो गया, कम से कम आना तो चाहिए जनप्रतिनिधियों को सामने आकर कि भाई कचरा क्यों नहीं उठ रहा है, उसके लिए बोलना तो चाहिए ना। तुमने उस माशाल्लाह हाईलाइट की, बहुत अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि इंशाल्लाह आएंगे और हो सकता है उन्होंने जगह इसको विजिट नहीं करके कॉल करके भी बोलेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। मुझे परसों इन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा था, यह जमीन था हमारे गौसा मार्केट, तो मैंने हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा, उसने आज सुबह होता है वो भी दो दिन के बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशासन को चाहिए वो जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वहाँ से उठा ले रहे हैं एक दिन दो दिन में, जहाँ से कोई नहीं बता रहा है वहाँ पर पड़ा हुआ है, चार दिन हो गया तीन दिन हो गया है ना। इसी तरह गौसा मार्केट में तो कल मैंने इब्राहिम भाई को भेजने के बाद में वो आज उठाए लोग ने कचरा, अभी नहीं उठा रहे थे तभी मैं भाई को मतलब भाई बोले लोगों इतनी बदबू आ रही थी क्या कुछ नहीं गैस में, तब जाके तो आज उन लोग ने कौसा मार्केट का 10 बजे कचरा उठाया था। एक्चुअली उठता है सुबह 7 बजे लेकिन वो 10 बजे बाजार चालू होने के बाद में दिक्कत में वो कचरा उठाए, अब ये भी उठाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी भाई आप तो सामने आए कचरा जिसे ये बता रहे हैं कि आप सामने आए, तो इसी तरह और भी लोगों को आना चाहिए, बहुत आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लोग बोलते भी होंगे मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन प्रशासन से मैं फिर आपके माध्यम से एक अपील करता हूँ कि प्रशासन जो है अपने पुराना स्टाफ भेज के ये कचरे को उठाए और पब्लिक को राहत दे, हाथ जोड़ के बोलता हूँ पब्लिक को राहत देना बहुत जरूरी है। तो आपने सुना कि किस तरह से मुंब्रा कौसा शहर में कचरा जो है वो ऐसा लोग बता रहे हैं 3 से 4 दिन हो गया है नहीं उठाया जा रहा है, और ये तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, और जिस तरह से इब्राहिम राउत ने बताया कि जो यहाँ से कचरा उठाता था अभिजीत सेठ कंस्ट्रक्शन, उनका टेंडर भी खत्म हो गया है, जो गाड़ियाँ प्रोवाइड करते थे उनका कुछ पेमेंट का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पूरे मामलों को बीच को लेकर इसका खामियाजा मुंब्रा शहर के लोग भुगत रहे हैं, मनपा कमिश्नर को इस पर फौरन संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर कर्मचारियों को जो है भेज कर मुंब्रा शहर कौसा शहर में जो भी कचरे हैं उनको तुरंत साफ करवाना चाहिए। Thank you.